गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज श्रुति। तो सुबह की 7:30 हो रही है और मैं रेडी हो चुकी हूँ जॉब पे जाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए। ब्रेकफास्ट करती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट मेरी बहन ने रेडी किया है। यार मैं कल भी ब्रेड खा के गई थी, ये ब्रेड मेरी जान ले लेगी। ये कह रही आएगी, अब मैगी खिला दूंगी। यार मैं 4 बजे आऊंगी घर पे, मैगी मोमो से क्या होगा बहन, भूख तो खाना खिला दूंगी मैं। अच्छा सा क्या खाना खिला दूंगी, बस खाना तो खाऊंगी। और आज मेरी बहन का एग्जाम भी है। अच्छा, ऑल दी बेस्ट बहन आज एग्जाम के लिए। तो अब मैं खाती हूँ ब्रेड, ब्रेड अलग अलग तरह की, आधी ब्रेड, पूरी ब्रेड, गोल ब्रेड और ये चाय। गेट खोल दे। क्या ही हालत हो रही है। हमने खाना क्या है, अब बनाते हैं हम चाय। ये चाय में ये चाय, हे भगवान, काया पिया गिलोय का, ये गिलोय है। यस, दिस इज गिलोय। हम पीता गिलोय का काढ़ा पियो, छाती का दर्द, जुखाम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवनी शक्ति, आपको गिलोय रस से मिलेगी। मेरे को चाय बनानी थी, इसमें पापा जी ने दूसरा बर्तन ले लीजिए, वो पीतल की है। तो पीतल की है तो क्या है, तो मेरे पापा जी ने चाय वाले फ्राई पैन में ये डाल दिया गिलोय और इसको उबाल रहे हैं। अब मेरे को इसमें बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये मेरी चाय उबल चुकी है और बाहर भी गिर चुकी है, देखो। तो अभी मैं पीती हूँ चाय, बिस्किट लेती हूँ, खाती हूँ और फिर चलेंगे रैबिट को लेने आफ्टर वेरी वेरी बहुत सारे दिन। ये अंकल ऐसे हॉर्न बजाते हैं जैसे इनके घर में शादी हो रही हो। हमारे घर मेरे ना नानी के साइड में शादियाँ ना बहुत जबरदस्त होती है, बहुत, मतलब मेरे मामा जी मौसी की शादी है ना बहुत अच्छे से, लेकिन इतने भी बैंड बाजे नहीं बजाते। जब कोई बोल रहा होता है ना तो हमारे वहाँ पे ढोल वाले एक बार शांत हो जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या सारा टाइम हॉर्न बजाते रहते हैं, सारा टाइम जो भी आता है हॉर्न बजाते रहते हैं यहाँ पे। चेस, ये वाला कप मेरे पापा जी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो मैं इसी में चाय पीती हूँ। ऐसा है कि पापा जी ने बोला निकल जा घर से, हम जा रहे हैं। आ गया मेरा बेटा, अरे दो 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 दो, पिछले घंटे ना हुआ है अभी, ऐसे कैसे डरा हुआ मेरा मुन्ना, अरे मेरा मुन्ना वापिस आ गया। तोड़ दो, पहले डरा हुआ है वो, किसलिए डरा हुआ है ये देखो, आवाज हो रही थी उधर। अरे इसकी गर्दन पे ऐसे कैसे हो रही है, ऐसे पकड़ के लाई हूँ ना मैं, खुली छत है ना हमारी, पूरी छत पे ऐसे दौड़ लगाता है, पूरी छत पे अभी भी खेल ही रहा था। वाई वाई, हम तेरे को, अरे जा मोरे, आ जा मेरे पास, बड़ा हो गया ये, छोटा ही रहेगा। अरे अरे यार, ये जब खाता है ना इतना प्यारा लगता है, इसके देखो लगाओ बच्चे को कितना प्यारा लगता है खाता हुआ। फाइनली मेरा बेटा आ चुका है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पता है मैंने अपना रूम साफ नहीं किया अभी तक, बट अब करना पड़ेगा, अब अपना रूम साफ करूंगी और इसको भी लेके जाऊंगी मेरे रूम में। कितने डिसेंट तरीके से बैठा है, वाह मेरे शेर बेटा, मेरा पुचकू। तो शाम के बज रहे हैं 7, अभी मैं छत पर घूम रही हूँ और मेरी मम्मी फिर से नाराज हो गई। मतलब मेरी जिंदगी में एक ही चीज बची है, मतलब होती है मम्मी का नाराज होना। मैं छत पर घूम रही हूँ अकेले और मेरी फाइनली बहुत दिन बाद हम अपने कमरे में और सड़ी हुई खिड़की, क्या हाल है, धूल जम गई है सब जगह, साफ करना पड़ेगा। और ये पंखा मिट्टी छोड़ रहा है नीचे, ये देखो हमारा शरारती बच्चा, मेरे को भूल गया। भाई साहब, बेटा खाना आया है आपके लिए, कैसे खाओगे। क्या मेरे पापा जी ने मुझे तो बब्बू गोशा ला के नहीं दिया और इस कद्दू के लिए ले आए,
कितने दिन बाद आए हो हमारे पास। हमें नहीं है तुम्हें हमसे भी बिल्कुल प्यार नहीं आता। देखो इसको, इतना क्यूट लगता है यार। ये देखो अलीली, देखो कितना क्यूट लगता है अभी तक। क्यों तुम्हारे दांत बाहर क्यों नहीं आए? तुम बड़े हो गए, तुम्हारे दांत की तरह मुझे दांत दिखाओ तुम ऐसे। ओए मेरा बेटा। और फिर हम अपने गुड्डे के लिए फ्रूट्स कट करेंगे। क्यों फ्रूट खाओगे तुम? क्यों फ्रूट खाओगे बेटा? ओ मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है छोटू सा बेटा। देखो इसे इसे देखो छोटू सा बेटा। मेरी औलाद मुझे भूल चुकी है लेकिन अपनी जगह नहीं भूली है। ये देखो सेम वैसे ही घूम रहा है। नहीं मैं बॉर्नविटा वाला दूध पीऊंगी। सब बॉर्नविटा वाला ही लेंगे, मतलब पापा और बॉर्नविटा वाला लेंगे। पापा जी पापा जी जल्दी वाला लेंगे। नहीं प्लीज कर दे, मुझे एडिटिंग करनी है प्लीज बहन। ओके मेरी बहन बहुत अच्छी है पता है, ये सारे काम कर देती है मेरे। बहुत बहुत अच्छी है मेरी बहन। ये मुझे मम्मी की डांट से भी बचाती है, बस वो मैं दिखा नहीं पाती क्योंकि जब ये मुझे बार डांट से बचाती है ना उस वक्त मेरा रिमांड लग रहा होता है बहुत खतरनाक वाला, और वो सीन मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकती। तो इस वजह से कभी मैंने दिखाया नहीं आपको। उस केस में मैं शूट नहीं कर सकती, वरना तब मेरे मुंह पे चप्पल जूते सब कुछ पड़ सकते हैं। वैसे मेरी मम्मी मुझे मारती नहीं है, बस डांटती है, बट फिर भी पड़ सकते हैं। याद दिख नहीं कैसे स्टैंड होगा। नीचे इधर इधर इधर। फाइनली मेरा ये सपना पूरा हो चुका है कि मेरा रैबिट मेरे पास आए खुद चल के। मेरा बेटा मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब ये छोटे थे ना इतना ज़्यादा डरते थे, ये बिल्कुल भी पास नहीं आते थे। अब भी जब मैजिक की डेथ हो गई थी उस टाइम मुझे लगा कि मुझे ले आना चाहिए एक और रैबिट, बट किसी रीज़न की वजह से, बट मैं उधर आगरा जाने वाली थी तो फिर मैं नहीं लेके आई। एंड इसने अब तक सर्वाइव किया, इसको अच्छे से हम खिलाते हैं, इसकी एकदम अच्छे से केयर करते हैं। बेटा नीचे पड़ा है तू। और जब मैजिक गया था उस दिन ये इस बेड के नीचे लेटा रहा था, इस बेड के नीचे था, और मैं इधर 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 नीचे सोई थी जिस दिन मैजिक की डेथ हुई थी, क्योंकि अकेला था बिल्कुल। और इसके साथ में टेडी बियर रखा हुआ था, मैंने देखा होगा जिन्होंने मेरा रैबिट मर गया वाला वीडियो देखा होगा। तो देखो इसका पोज कैसे बैठा है आराम से। बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दो थोड़ा। 20 डेज में ना बहुत बड़ा हो गया है। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। हेलो बेटा। अरे नीचे है कद्दू से। तो इतना खाना इसके लिए इनफ है। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा होगा, हम बहुत दिन बाद मिले हमारे रैबिट से। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को मेरा रैबिट दिखा देना, वीडियो शेयर कर देना ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से भट जाए। पढ़ नहीं रहते दिन से, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया अनसब्सक्राइब किस खुशी में कर रहे हैं लोग। बाकी जो भी है शेयर कर देना ताकि जल्दी से थोड़ी थोड़ी भर जाए। मैंने वाली वीडियो कल आएगी, बस यही बताना था। बाकी सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।